इमाम आजम कितना कादावर शख्स है, शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती है। माँ बेटे से कहती, बेटा मैंने फला बूढ़े आलिम से मसला पूछना है, सवारी तैयार करो। माँ को ये तो नहीं कहते, अम्मा जी सवाल करो जवाब मिलेगा, दलाइल की अंबार लगाऊंगा, तशफी हुई तो ठीक। ये भी नहीं कहते, अम्मा वो उम्र में बड़े हैं, इल्मी कद तेरे बेटे का बड़ा है, वो तो खुद मुझसे इस्लाह चाहते हैं। ये भी नहीं कहते, माँ उनके पास जाने से तेरे बेटे की तौकीर कम होगी। कोई दलाइल नहीं, कोई बहस नहीं, बोले वाले बन जाते यार, सवारी तैयार करते, माँ को बिठाते, नकेल पकड़ते और उस आलिम के दरवाजे पर चले जाते। वो देख करके शर्मिंदा होते कि ये तो मुझसे बड़े आलिम है। और आप फरमाते, मौलाना मेरी माँ ने आपसे कोई मसला पूछना है, जरा मेहरबानी करके इनकी तशफी फरमा दीजिए। अगर सवाल का जवाब ना आता तो इमाम आजम आहिस्ता आवाज में सवाल का जवाब बताते और साथ फरमाते, थोड़ी सी ऊंची आवाज में मेरी माँ को यह मसला बयान कर दो। इनके पास बड़ा बन के नहीं दोस्त, इनके पास छोटा बन के आओ, इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। मरने के बाद तो लकीर पीटते हैं हम लोग, और जिन्होंने जिंदगी में माँ बाप की कदर की उनकी कदरें आज भी बहाल है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज के बटन खोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते, इन्नी ला अजिदु रीहर रहमान, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। आप जानते वहां कौन था, वहां हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। यार सारी जिंदगी मुलाकात नहीं कर सके, शर्फे सहाबियों से मुमताज नहीं हुए, लेकिन ये लकब खैरुत्ताबईन का मेरे मोहम्मद से नसीब होता है। उसे खैरुत्ताबईन का लकब पाया, सारी जिंदगी हुजूर से मुलाकात नहीं कर सके। और हुजूर साहबा से फरमाते, तुम्हें जब कभी अवैस मिले ना तो उससे कहना कि मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ करना। जो बेटे फरमा बरदार होते हैं वो मुस्तजाबुद दावात बनते हैं। खिदमत से रब मिलेगा, खिदमत से रब मिलेगा। बायजीद कितना बड़ा नाम है यार, तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में एक बड़े इमाम का नाम है। एक दिन माँ से कहा, माँ अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहनी है। कहा, बेटा बोलो। कहा, माँ आरजू अल्लाह को राजी कर लो, लेकिन अगर आप मुझे अपने हक माफ कर दो। माँ साबिरा थी। कहा, शौक से जाओ, हसीनों के ख्वाब नहीं देखे कि माँ को नाराज किया। माँ से रुखसत इस बात की ले रहे हैं कि अल्लाह को राजी करना है। फरमाते, जंगलों में, बयाबानों में, वीरानों में, गारों की तन्हाइयों में उसका नाम लिया। उठ दी, बहदी, टुर दी, फिर दी, सुते आते जाग दी, नाम जप दी, रोते खप दी, वेह सुर इस राग दी, नाम जपया कुर्ब मिलदा, नाम दी कर पूरी साम, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत काग दी। इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। 12 साल बुस्ताम के जंगलों में उसकी याद में तड़पने वाला। आ फरमाते, एक दिन मैं सफर में था, सरे रा घर आया, जी चाहा कि माँ की कदम बोसी करता चलूं। सर्दियों की ठिठरती रातें हैं। फरमाते, मैं दस्तक देने लगा तो एक आवाज आई, बायजीद ठहरो, अगर माँ को सुख नहीं ना दिया तो दुख भी ना दो, ये वक्त आराम का है। हमसाए ने आवाज दी थी, ये आवाज किसी फरिश्ते की थी नहीं मेरे भाई, ये आवाज अपने जमीर की थी। फरमाते, इस एहसास ने रोक लिया कि चलो माँ जब बेदार होगी कदम चूम के मंजिल की तरह बढ़ूंगा। फरमाते, सारी रात खड़ा रहा, तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी बाहर आया, मैं जान गया कि माँ नमाज के लिए खड़ी हो गई। फरमाते, मैंने दस्तक दी, माँ बाहर आई, माँ ने मुझे देखा, मेरे तन पे पैरहन फटा था, मेरी दाढ़ी में राख अटी थी, मुझे देखा और कलेजा पसीज आया और यूं हाथ उठा के कहा, अल्लाह मैंने बायजीद को तेरी राहों में भेजा था और तूने अभी तक इसको अपना कुरब नहीं अता किया। बायजीद कहते, वल्ला ये माँ के मीठे बोल थे कि मेरी एक तसव्वुफ की मंजिल जो चिल्लों और मुराकबों से भी हल नहीं हो रही थी, माँ के हाथ उठने की देर थी कि मेरी रुकी हुई मंजिल उसी वक्त हल हो गई। आ फरमाते, अल्लाह मैं तुझे जंगलों से ढूंढ रहा हूं, तू तो मेरी माँ के पास रहता है। और मेरे भाई, जिसने जो पाया, जितना पाया, खिदमत से पाया, इज्जत से पाया, तो खिदमत से रब मिलता है। मैंने पिछली उम्मतों का तस्करा बढ़ा, एक बूढ़ा 4 बेटे रखता है और बूढ़ा जिंदगी मौत से लड़ने लगा, बोलो बरास चारपाई पे। और आप जानते हो कि माँ बाप और औलाद की माँ बहन जो राबता रहता है उतनी देर रहता है जब तक हम वालिदैन से अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। जब पर पुरजे निकालते हैं, हम कमाने के काबिल होते हैं, तो फिर हमारा वालिदैन के साथ राबता तकरीबन जो हमने देखा है वो खत्म हो जाता है। बुढ़ापा और बुढ़ापे के साथ बीमारी, बुढ़ापा तो खुद बड़ी आजमाइश है, और बुढ़ापे के साथ बीमारी का आ जाना ये उससे बड़ी आजमाइश है कि बंदा वॉशरूम तक भी खुद ना जा सके, नवाला तोड़ के अपने मुंह तक भी ना ला सके। तो औलाद का जब बूढ़ा मोहताज हो जाए तो कितना मुश्किल होता है। 4 बेटे और जो सबसे छोटा वो लायक, 3 नालायक थे, उसने अपने भाइयों को जमा किया, कहा वालिद बीमार है और खिदमत की जरूरत है। और अजीब सा फैसला है कि अगर वालिद
कि खिदमत मैं करूं तो विरासत से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आप करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तीनों ने नजरें मिलाई, दौलत के भूखे थे, वो दौलत ले उड़े, और इसकी आरजू थी मैं अपने वालिद की खिदमत करूं। और इसने फिर तात में आखिर जब तक बाप जिंदा रहा खिदमत की, और जब बाप दुनिया से गया तो बेटे पर राजी था। हमारे देहातों में जब हमारे बूढ़े राजी होते हैं ना तो एक जुमला बोलते हैं, यकीन जानो मरने तक उसका नशा नहीं उतरता। मैं कहता हूं यार मरने से पहले अपने माँ बाप से वो जुमला जरूर कहलाइएगा, अपने अमल और रवैये से वो जुमला क्या है, जब राजी होते तो क्या हमें कहते हैं, जा पुत्र तेनू सत्य खैराने, जा पुत्र तेनू सत्य खैराने। वो बूढ़ा इस हाल में गया कि बेटे पे राजी था। मेरे नबी फरमाते जिसका बाप राजी उसका रब राजी। गुर्बत की लकीर पे खड़ा है और दौलत के भूखे दौलत ले उड़े। एक शब सोया ख्वाब में एक अल्लाह वाला मिला, कहा बेटा फलां शजर के नीचे 100 दिरहम पड़ा है, उठाओ ले आओ। सवाल किया उसमें बरकत है, तो फरमाया उसमें बरकत नहीं है, क्योंकि कसरत और बरकत में फर्क है, कसरत और है बरकत और है। दूसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, कहा बेटा वहां 10 दिरहम पड़े हैं, कहा बरकत, कहा बरकत नहीं है। तीसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, कहा बेटा वहां 1 दिरहम पड़ा है, कहा बरकत, कहा हाँ उसमें बरकत है। दिरहम उठाया, बाजार गया, वहां दुकानदार आवाजें दे रहा था, 1 दिरहम में 2 मछलियां, मछलियां घर ले आया, पेट चा किए, 2 कीमती मोती निकले। 1 मोती लेके बाजार आया, सुनार को दिखाया, वो जमाना अच्छा था भला था, आज तो लोग धा लगा लेते हैं। उसने कहा पूरे बाजार में इसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता। बात बादशाह वक्त तक पहुंची, उसने जवाहरी बुलाई, 1 मोती की कीमत क्या तय पाई, 10,000, 20,000, 25,000 दिरहम, नहीं मेरे भाई 1 मोती की कीमत 30 खच्चर, उन पे जितना सोना लाद लिया जाए। सोना उठा के घर ले आया, बादशाह ने दोबारा तलब किया, कहा और मोती रखते हो, कहा रखता हूं, कहा बेचते हो, कहा बेचता हूं, कहा रेट पहले वाला, कहा नहीं अब रेट मेरी मर्जी का, कहा मांगो क्या मांगते हो, कहा डबल लूंगा, 60 खच्चर सोना लाद के घर ले आया। मेरे भाई बादशाह के बाद यकीनन उस शहर का सबसे अमीर तरीन शख्स वो ठहरा, कौन, जिसने अपने बूढ़े बाप की खिदमत की। ये दौलत ही सब कुछ नहीं होते दोस्त, ये टगी सब कुछ नहीं होते। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है दोस्त, लेकिन हमने इस दौलत की कदर देखी है बुढ़ापे में, जब वरासत तकसीम होती है, और जब वरासत तकसीम हुई तो झगड़ा हुआ, वरासत तकसीम हुई तो भाई ने भाई को सबा कर दिया। बचपन में भी झगड़ा होता था ना, और वो बड़ा खूबसूरत झगड़ा था, और वो झगड़ा हमारे बच्चे भी करते हैं। धुंधला सा नक्शा तो हमारे भी जो है ना वो तसव्वुरात में जरूर होगा, माजी के धरीचों में झांक करके देखे तो वो बड़ा खूबसूरत मंजर आपकी आंखों के सामने आएगा। लेकिन क्यों हमने गफलत की पट्टी बांध ली, वो बचपन का झगड़ा क्या था कि माँ मेरी है बाप मेरा है। लेकिन जब बुढ़ापा आया ना तो यह झगड़ा खत्म हुआ, वरासत पर झगड़ा हुआ, और जब इनकी बारी आती तो तमाशा देखने वाला होता है। बच्चे नजरें चुराते, कहते जी, कोई कहता जी मेरे खर्चे ज्यादा हैं, कोई कहता मेरा घर छोटा है, यानी खर्चे की भी बात सुनाते हैं, मैं खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। यार कभी हम भी पलट के देखे, 4, 5, 6 भाई थे हम, हमारी मां से मशवरा तो नहीं किया कि 4 को दारुल अमान में छोड़ाए, 2 की अच्छी कफालत कर ले, 1 जैसा खाना, 1 जैसा लिबास, हमारे स्टेटस का भी ख्याल रखा। और आज हमारी बारी आई तो हम पैसे गिनने लगे, आज हमारी बारी आई तो हमने कह दिया हमारे खर्चे ज्यादा हैं, जो ना वो हम इनका खर्च नहीं उठा सकते। और कुछ नलायक ऐसे भी हैं, वो कहते ये बूढ़ा खांसता है तो मेरे बच्चों की नींद खराब होती है। मकाफाते अमल है दोस्त, आज अपने माँ बाप को धक्के देंगे, इनकी चारपाई को कमरे से बरामदे तक लाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी चारपाई उठा के बाहर शहर में नहीं, बाहर जो है ना वो गली में फेंक देंगे। मकाफाते अमल है, अगर इनकी खिदमत से जी चुराओगे अर्श का रहमान हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। ये राजी होंगे तो अल्लाह राजी है। मेरे नबी फरमाते अला उनब्बीकुम बि अकबरिल कबाइर, फरमाए साहबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर न दूं। अर्श किया का इरशाद फरमाइए, फरमाया अली शराकु बिल्ला, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वा उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना, बड़े गुनाहों में एक गुनाह मां बाप की नाफरमानी है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी तो फरमाए उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, जलजलों का, फरमाए इन्हें जमीन में धंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी है, फरमाए जब हुक्मरान तबका
सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा, और जिसके पास अमानत रखी जाएगी वो जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा, और मालदार लोग जकात देना छोड़ देंगे, और उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे, आदमी बीवियों के फरमा बरदार होंगे, माओ के नाफरमान हो जाएंगे, दोस्त के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएंगे, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे, और शराबें आम होंगी, इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से यालाबारी होगी। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी और नाला होंगे, फिर रहमत खुदावंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी। और नाराजगी का इजहार मैंने अर्ज किया, कभी सुरख आंधियां, कभी जलजले, कभी जमीन में दंसा दिया जाएगा। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर कयामत कब आएगी, कोई निशानी तो इरशाद फरमा दे। आका फरमाते जब माएँ जलील हो जाएंगी, जब माएँ जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। और ये घर घर की कहानी है। मेरे एक मिलने वाले हैं, मेरी मुलाकात हुई, चेहरा उतरा हुआ था, तो मैंने कहा खैरियत? तो फूट फूट के रोने लगे। मैंने कहा कुछ बताएं तो सही। मुझे कहती आज बेटे ने मुँह पर थप्पड़ मारा है। यकीन जानिएगा उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ के अपने सर पर रखा, करीब था कि फट ही जाता। मेरी एक दो हफ्ते बाद दोबारा मुलाकात हुई, मैंने आप दीदा देखा, मैंने कहा जालिम ने फिर मारा। मुझे कहती उसने कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने गुजारिश की मैंने आपको क्या कहा, मुझे कहती तेरी ये बातें मैंने सोशल मीडिया पे सुनी, बहुत सारे लोग तेरे सामने थे, मेरा दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। मैंने कहा ओ जालिम, तू थप्पड़ मारता है और वो तेरी जिंदगी की भीख मांगती है। जब माएँ जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। जनूबी पंजाब से एक साहिब कॉल करते, मौलाना आपसे मशवरा करना है, मेरी कहानी सुनिएगा, आप भी सुनिएगा। वो कहता जवानी में माँ बेवा हुई, अकेला हूँ, कोई बहन भाई नहीं। इस बात का पूरी शिद्दत से एहसास कि माँ के एहसान मेरे कंधों पे बड़े हैं, लोगों के घरों में बर्तन मांजे, झाड़ू दिया, बड़ी मेहनत से पाला पोसा। आज मैं बड़ा हो गया, जवान हूँ, शादीशुदा हूँ। जो मसला है घर में, नूँ सास का झगड़ा है। जो मैं देखता हूं माँ का कसूर कुछ ज्यादा है, घरवाली का कुछ कम। मैं दुराहे पे खड़ा हूं, आप मुझे मशवरा दो मैं क्या करूं। मैंने कहा दरगुजर करो, घरवाली को समझा यार, जिस तरह पीछे माँ छोड़ाई हो ये भी माँ है। मुझे कहता है मौलाना मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने कहा क्या तरकीब आई है? वो कहता है मैं अपनी माँ का निकाह ना कर दूं। मैंने कहा तेरी अम्मा की उम्र कितनी हुई? वो कहता 60 साल। मैंने कहा ओ जालिम, जवानी तो तेरे नाम लगा दी, जब उसे सहारे की जरूरत थी तुझे सहारा देखा, ख्वाब देखे, सपने देखे, और आज तू भी उसको घर से निकाल रहा है। जब माएँ जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। घर घर की कहानी है दोस्त। अल्लाह उस बेटे से नाराज है, नाराज होगा, और वो नालायक बेटा दुनिया में भी रुस्वा होगा। और जब दावरे महशर जो कयामत का मुनसिफ है उसके सामने जाएगा तो सर पर इज्जत की दस्तार नहीं बल्कि जिल्लत और रुस्वाई का सामना करना पड़ेगा। ना नमाज कबूल, ना रोजे कबूल, ना हज जकात कबूल होगी। मैं टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ तो कुछ दोस्त मेरे पास बैठे हुए थे, तो एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 18-20 साल, सर पे इमामा, सफेद जामा, बड़ा खूबसूरत बेटा, मुझे दोस्तों ने बताया कि ये सुबह लोगों को नमाज के लिए उठाता है। मैंने बहुत सारी दुआएं दी कि आज का जवान तो चौक चबारों में नजर आता है, छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने जवानियां बर्बाद करते नजर आते हैं, आज का जवान तो रक्सो सरूद की महफिलों में कितना सादतमंद बेटा कि लोगों को सुबह नमाज के लिए बेदार करता है। मैंने बहुत सारी दुआएं दी। मेरे साथ एक साहेब बैठे थे, उन्होंने सरगोशी की, उन्होंने कहा मौलवी साहब ये बाप का गुस्ताख भी बड़ा है, दस्तार के हर पेश की तस्दीक है लाजिम, हर साहेब दस्तार मुअज्जज नहीं होता, वड़ियां वड़ियां पग्गा बन लेना बंदा बड़ा नहीं होता दोस्त, इंसान रवैयों से बड़ा होता है। मैंने कहा बेटा ये तो बड़ी गलत बात है, चर्म जुबान था, बहस करने लगा। वो कहता मुझे मेरे वालिद को बैठाओ, गलत हुआ तो जूते खाऊंगा। खैर कोई एक दो बात जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक का सबब मेरी बात बनी। मैंने कहा जाओ माजरत करके आओ। तो वो 10-20 मिनट बाद वापस आया, आंखों में आंसू थे, यूं हाथ बांध के खड़ा है। वो कहते ऐसे ही जाके खड़ा हुआ हूं तो मेरे अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया है। ओ भाई आज सीने से लग जाओ, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा। हां आज दोस्त को देखकर बाहें फैलाते हो, बाप को देख के रास्ता बदलते हो, आज बूढ़े माँ बाप को देहातों में छोड़ के खुद शहरों का सफर किया, वो देहातों में भीख मांगने पर मजबूर हुए, वो देहातों में सदका और खैरात खाने पर मजबूर हुए, और हम शहरों का रुख कर गए, उन्हें यहां जलील करने के लिए छोड़ गए। अर्श का रहमान हमें कैसे माफ करेगा? आज उनके कदमों से लिपट जो, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा। कल के पछतावे से क्या हासिल भाई?
आज वक्त है, आज उनकी खिदमत करो, आज उनके कदमों में बैठो, आज उनकी खिदमत करके रब को राजी कर लो। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की कदरें सिखाई, फरमा जन्नत माँ के कदमों तले, और फिर अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके भी दिखाते हैं। मुसल्ले इमामत और ताहद नजर साहब, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर को माँ याद आ गई। ये मक्की दौर नहीं दोस्त, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं, यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। हुजूर की आंखों में आंसू क्यों आए? हुजूर को अपनी माँ याद आ गई। यार जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आई तो इंसान आरजू जरूर करता है, काश के आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे सर पे इज्जत की दस्तार देखते। यार मैं और आप अपना माजी जरा पलट के देखें तो गुर्बत की लकीर पे देखते हैं खुद को। एक वक्त का होता था, एक वक्त का होते ही नहीं था। अचार से रोटी खा लेते थे, गंडे से खा लेते थे, यार गुड़ से रोटी खा लेते थे, वो लस्सी में नमक मिर्च डाल के उससे रोटी खा ली जाती थी। वो किसी ने फकीर से पूछा ना, बाबा जी सब ना मजेदार चीज कौन सी होती है? तो ना क्या पुत्र भूख होती है। वो भूख के जमाने में अचार भी खा लेते थे, वो लस्सी में नमक मिर्च डाल के उससे खाना खा लेते थे, और आज दस्तरखान पे अनवाओ अकसाम के खाने फल हैं। तो क्या दिल में आरजू नहीं मचलती कि काश के मेरे बूढ़े माँ बाप जिंदा होते तो आज ये बहार भी देखते। और यार कभी को गली मोहल्ले में नहीं जानता था, रिश्तेदार भी नहीं पहचानते थे। वैसे भी गरीब का रिश्तेदार होता ही कोई नहीं। गरीब तो किसी को कॉल कर लेना तो नवाब का बेटा कॉल नहीं रिसीव करेगा कि कहीं कर्ज ना मांग ले, दे दिया तो वापस कैसे करेगा। तो यार गरीब खुददार बड़े होते हैं, हाथ फैलाना तो ही ने जुस्तजू जानते हैं। वो तो समझता था ये मेरे चचा का, ये मेरे ताए का, ये मेरे फुफो का, ये मेरे मामे का बेटा है। वो तो कदरों को जानता था, लेकिन वो क्या जानता था कि जब दौलत जहां डेरे जमाती है तो वहां कदरें पामाल हो जाती है, वहां रिश्ते भी बदलते, वहां दोस्तियां भी बदल जाती हैं। हमने बहुत कम लोग देखे जिन्होंने आगाज को याद रखा, कहां से शुरू हुए और आज कहां खड़े हुए। और एक बात याद रखिएगा दोस्त, ऊपर जाने में बड़ा वक्त लगता है लेकिन ऊपर से नीचे आने में वक्त नहीं लगता। तो खैर ये रवैये हमने देखे हैं। गरीब का दोस्त भी कोई नहीं होता, गरीब का रिश्तेदार भी कोई नहीं होता। कभी कोई जानता नहीं था यार गली मोहल्ले में, रिश्तेदार ही नहीं पहचानते थे। आज पूरी दुनिया में शोहरत, आज पूरे शहरे दीना में शोहरत। इंसान आरजू करता है काश मेरे माँ बाप होते तो ये शोहरत, ये इज्जत, ये तकरीम, ये प्यार की कायनात देखते। इंसानी फितरत है। और यार कभी पास साइकिल नहीं होता था, आज जहाजों के सफर, दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस अमारते, बंगले प्लाजे। इंसान आरजू नहीं करता काश माँ बाप होते तो आज ये बहार भी देखते। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद दी, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा खुशी के हैं या माजी की तलखियां? मुझे कहते हैं एक जमाना था माँ बीमार हुई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहते हैं माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता है सब कुछ है, माँ नहीं है। मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर दोस्तों जिंदगी बड़ी अधूरी होती है। इंसानी फितरत है, वो आरजू करता है काश के माँ बाप हो। हुजूर को माँ याद आई। और मेरे नबी की वालिदा कब बिछड़ी? जब हुजूर की उम्र 6 साल थी। अब्वा नामी एक बस्ती आई जहाँ सैयद आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आकर के रुक गई। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार जान ले लेगा। वक्त रुखसत उमे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा देना। फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर और माँ बेटे में खूब सी गई। दो एक बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती बेटा कुल्लू हैयिन मैयतुन कुल्लू जदीदिन बालिन कुल्लू कबीरिन यफना व आना मैततुन व ज़िक्रा बाकिन व वलत तोहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज ने पुराना और हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूं लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीजा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। माँ से लिपटे लिपट के रोए, नन्ने नन्ने हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयद आमना के मजार पे 2 दफा हाजिर हुआ हूँ। पहली दफा हाजिर हुआ का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा के कदमों में जा खड़ा हुआ, यकीन जानिएगा ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयद आमिना को सलाम करने आती हैं। हम जब वहां से रुखसत होने लगे, मेरे साथ कुछ उलमा थे, दोस्त थे, मैंने दोस्तों को कहा आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे पलट पलट के देखा था,
आज उसी अदा को अदा करते यहाँ से गुजरेंगे। यकीन जानिएगा, जब हमने पहली दफ़ा सैयद आमिना के मज़ार की तरफ देखा और हुजूर की का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी जब आंखों के सामने आई, तो मुकामे बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मी ऐमन कहती, मैं हुजूर को ले के पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा हुजूर साथ नहीं थे। आप फरमाती, मैं फिर जल्दी से पहाड़ पे आई और मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराहने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। और मेरे नबी फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज बिछड़ी माँ की याद आई, मुसल्ला इमामत है दोस्त और ता हद नज़र असहाब है, आंखें बरस पड़ी, सहाबा को कलाम किया, काश अम्मा माँ जी होते, नमाज इशा तुम्हें पढ़ा रहा होता, सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता, मेरी वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर कहती, इब्ने मोहम्मद मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते, नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुनता। माँ बड़ी दौलत है दोस्त, इस दौलत की कदर करो। एक बार आते हैं दोस्त, ये दोबारा नहीं आएंगे। नाराज़गे ना ज़िंदगी से रास्ता मांगोगे, ज़िंदगी हमें कभी भी रास्ता नहीं देगी। कदर करो यार, अगर ये है, माना के बड़े हो गए हो यार, आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मेरा कहना है कि क्या 24 घंटों में से एक घंटा आपके पास नहीं जो आप अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो यार? वो एक घंटा अपने माँ बाप के कदमों में बैठा करो, इनके पाँव दबाया करो, इनके साथ गपशप लगाया करो, इनके लिए बाहर से तहाइफ लाया करो, इन्हें कभी कभी बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो, और यार इन्हें बाहर कभी होटल से खाना खिलाने ले जाया करो। यार कभी अपने वालद से पूछो, अब्बा जी को अपने बचपने की कहानी सुनाओ, हो कोई पुराना गूढ़ा यार सुनाओ, हमारे दोस्त नहीं है, हम उदास नहीं होते, अब तो ये चलने के काबिल नहीं यार, अब तो सफर नहीं कर सकते, अब तो इनके पास जराए नहीं है, वो आप तो ले जा सकते हो, अब्बा जी से कहो ना, अब्बा जी को पुराना यार कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो। मरते बूढ़े उस वक्त है दोस्त जब हम अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते। औलाद समझती है कि हमारा फ़र्ज़ सिर्फ इतना कि हम हफ्ते बाद या 15 दिन बाद 500,000 खिदमत कर देते, बस इतना ही काफ़ी है। और यार ये हमारे पैसों के भूखे, हमें गलती लगी, ज़िंदगी में बड़ा कमाया यार और वो कमा के खुद नहीं खाया, हमारे ऊपर खर्च किया, ये हमारे पैसों के भूखे नहीं होते दोस्त, इनकी अब आरजू होती है। मैंने 40 साल परदेश के धक्के खाए, मैंने फैक्ट्रियों में 18-18, 20-20 घंटे काम किया इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अब बूढ़ों की आरजू होती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ वक्त गुजारे। लेकिन एक ही घर में रहते हुए हम कितने अजनबी बन के रहते हैं, महीने गुजर जाते हैं यार, माँ बाप से मुलाकात ही नहीं होती। इनके पास बैठा करो, मशवरा लिया करो, आप पढ़े लिखे ज्यादा हो सकते हैं, तजर्बात आपसे ज्यादा रखते हैं, यकीन जानो इनके कदमों में बैठोगे तो जिंदगी के गुर सलीके मिलेंगे। लेकिन अफसोस कि हम बड़े हुए तो माँ बाप से हमारे रबते तकरीबन ख़त्म हो गए। इनको सिर्फ आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, इनकी आरजू है कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठा करें।